सोचिए आप घर में अकेले हों और रात में दरवाजा कुछ ऐसी आवाज करते हुए खुल जाए, क्या कीजिएगा? इंस्टा पर वीडियो कायदे से वायरल है और आपके लिए ये सवाल है। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। कौन है बलदेव द डिस्ट्रॉयर जिसके सबल को थॉर के हथौड़े से ज्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है? राहुल गांधी संसद में बोले असली खेल यहाँ हुआ। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात 20 किलो के दुर्लभ मछली की। वहीं से दूर से सबल चलाओ बलदेव, खूब आराम से। ये बलदेव, चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। ये वीडियो तो अब तक आपने देख ही लिया होगा, बलदेव का वीडियो है। बलदेव सोशल मीडिया पर आज की तारीख में वायरल सबसे बड़ा नाम है। बलदेव द डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। जितना नाम बलदेव ने कमाया है उतना ही उनके सब्बल ने। बलदेव और प्रहलाद का नाम साथ में लिया जाता है, जैसे रॉबिन के साथ बैटमैन को याद किया जाता है या बैटमैन के साथ रॉबिन को याद किया जाता है, वैसे ही बलदेव और ठेकेदार की किंवदंतियां सोशल मीडिया पर चल रही हैं। कोई कहता है थौर के हथौड़े से ज़्यादा मजबूत बलदेव का सब्बल है, किसी का कहना है कि धरती का आज जो नक्शा है वो बलदेव के सब्बल की मार से बना है। हम पहले आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पर बलदेव का क्रेज और फिर बताएंगे बलदेव की कहानी। कौन है बलदेव, कहां से आया, क्या थी उस वायरल वीडियो की कहानी, कौन सा था वो घर, कब वीडियो रिकॉर्ड हुआ, क्या बलदेव को चोट आई थी उस वीडियो के दौरान, बलदेव का घर कहां है, बलदेव को अब क्या ऑफर मिल रहे हैं, कौन है वो ठेकेदार जो इतना चर्चित है लेकिन असल में ठेकेदार नहीं है, सब जानने के लिए देखते रहिए सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात उस वीडियो की। एक आम दिन का वीडियो है, एक मजदूर सब्बल से स्लैब तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अचानक हादसा होता है, पूरी छत नीचे गिरती है, पीछे से आवाज आती है, बलदेव चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बात में इतनी कन्विंसिंग पावर थी कि वो मीम बन गया, कहा जाने लगा कि ठेकेदार ने बॉय बलदेव को मैन बनाया। रील्स में वीडियो वायरल है, बलदेव द डिस्ट्रॉयर की जय जय होती है। कहा जाता है बॉब द बिल्डर नहीं, बलदेव द डिस्ट्रॉयर ही हमारा हीरो है। द एडवेंचर ऑफ बलदेव एंड ठेकेदार कैप्शंस से बलदेव और ठेकेदार कहे जा रहे व्यक्ति के वीडियो चलते हैं। नोएडा के गिरते ट्विन टावर को दिखाकर उसे बलदेव नगर कहा जाता है। लोग कहते हैं नाउ बलदेव हैज बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ बिल्डिंग्स। अगर बलदेव डिस्ट्रॉयर है तो ठेकेदार को द क्रिएटर कहा जाता है। दिखाया जाता है कि बलदेव मशीन के जरिए नई आकाशगंगा बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि एक दिन बलदेव ने अपनी सब्बल स्पेस में इस्तेमाल की और अब उसे लोग बिग बैंग कहते हैं। कोई कहता है एलियंस को बलदेव ही खत्म करेगा, कोई कहता है बलदेव अकेले थानोस को मार सकता है अपनी सब्बल से। लिखा जाता है कि बलदेव अपनी सब्बल के साथ MCU, DCEU के सारे सुपर हीरोज से ज़्यादा शक्तिशाली है। मीम चलते हैं कि 1372 में बलदेव ने पीसा की मीनार के पास सब्बल चला दिया और आज तक पीसा की मीनार झुकी हुई है। सबसे ज़्यादा चलने वाला मीम है कि दुनिया अपने पहले के नक्शे पर है, महाद्वीप जुड़े हुए हैं और बलदेव का सब्बल चलने पर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सब नई जगहें ले लेते हैं, महासागर बन जाते हैं, एवरेस्ट जैसे पहाड़ खड़े हो जाते हैं। अब मुख्य बात, बलदेव है कौन, कैसे इतना फेमस हो गया और ठेकेदार कौन है? तो कहानी कुछ ऐसी है कि ठेकेदार कोई नहीं है, बलदेव बेलदारी का काम करते हैं जबलपुर में गौसुल वरा अंसारी के पास। गौसुल को ही ठेकेदार कहा जाता है लेकिन वो असल में सिविल इंजीनियर है, बाकायदे इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, जबलपुर में रहते हैं और जी होम्स चलाते हैं जो मॉडर्न आर्किटेक्ट के क्षेत्र में काम करती है। ये पुराने से पुराने घरों को तोड़कर या बदल कर नया डिजाइन देते हैं। अब तक 125 से ज़्यादा घर पूरे कर चुके हैं। हमने गौसुल से बात की तो उन्होंने बताया कि मूल वीडियो लगभग 7 महीने पहले का है। जबलपुर के गोहरपुर में वो लोग एक 40 साल पुराने घर में काम कर रहे थे। उस दिन 40 साल पहले घर बनाने वाले की पोल खुली थी। उसने ये कहा था कि रॉड डालकर स्लैब डाली है लेकिन जब ये लोग वहाँ रखा एक दीवान हटाने लगे तो स्लैब इनको हिलती सी लगी। एक घन चलाते ही स्लैब भर भर आ गई। उसी मौके पर बलदेव का वीडियो बन गया और वायरल हो गया। गौसुल बताते हैं कि वीडियो बड़ा भयानक सा था लेकिन उस हादसे में बलदेव को एक खरोंच तक नहीं आई थी। बलदेव के बारे में गौसुल ने बताया कि वो हमेशा से उनका फेवरेट साथी रहा है। जबलपुर के कुंडम का रहने वाला है, 24 साल की उम्र है, फेसबुक इंस्टा पर नहीं है, 3 साल से उनके साथ काम कर रहा है। अब वायरल हो गया है तो उसको भी ये पता है कि वो चर्चित है। किसी ब्रांड ने उनसे संपर्क भी किया था कि वो अपने ऐड में बलदेव वाला वीडियो यूज करना चाहते हैं। बलदेव भी अपने काम में अब एक्सपर्ट हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सेफ्टी के कंसर्न भी उठाए। उस पर गौसुल का कहना है कि वो सेफ्टी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस वीडियो में पिछले
ठेकेदार की गलती के कारण ऐसी घटना हो गई थी। आगे के लिए एडिशनल सेफ्टी और हेलमेट समेत तमाम किट भी उन्होंने अपने साथियों के लिए मंगाई है। ट्विटर पर आज राहुल गांधी फ्लाइंग किस अमेठी जैसे तमाम कीवर्ड चले। हैशटैग राहुल गांधी दो जवाब हैशटैग चला। फ्लाइंग किस, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी जैसे शब्द तो ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में रहे। संसद टीवी पर भी आरोप लगे, राहुल जो बोले, स्मृति ईरानी ने जो जवाब दिया और अमित शाह जो बोले वो तो विश्व राजनीति का हिस्सा रहा, आप ललन टॉप शो में देख लीजिएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर अलग लड़ाई चली। केंद्र में थे राहुल गांधी, कांग्रेस वाले लिखते मिले ताना शाह कितना डरपोक है समझिए। राहुल गांधी जी सदन में मणिपुर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोले। इस दौरान संसद टीवी पर 11 मिनट 8 सेकंड तक स्पीकर ओम बिरला जी को दिखाया गया, राहुल जी को सिर्फ 4 मिनट तक ही दिखाया गया। बवाल फ्लाइंग किस पर हुआ, दावे हुए कि राहुल जब बोल चुके तो उनकी कुछ फाइलें गिर गईं, भाजपा वाले इस पर हंसे तो राहुल ने हंसते हुए उनको फ्लाइंग किस दी और हंसते हुए ही बाहर चले गए। स्मृति ईरानी इसको अभद्रता बताते मिली, कई महिला भाजपा सांसदों ने स्पीकर के पास इसकी शिकायत की। फ्लाइंग किस दी या नहीं दी इस पर बहस चली। प्रियंका चतुर्वेदी का वीडियो लगाते हुए लोगों ने लिखा, संसद के भीतर राहुल गांधी की फ्लाइंग किस पर विपक्षी खेमे की पहली मुहर। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने माना कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस उछाली। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने यह मोहब्बत की दुकान के लिए किया। सवाल है कि अगर कोई महिला फ्लाइंग किस वाली इस मोहब्बत की दुकान से दूर रहना चाहे तो भी यह फ्लाइंग किस उसका इस्तकबाल करेगी। दूसरी ओर से हेमा मालिनी की बाइट चलाकर दावे हुए कहा गया, बीजेपी सांसद हेमा मालिनी मीडिया को दिए बाइट में कह रही हैं कि राहुल गांधी का कोई फ्लाइंग किस नहीं देखा। लेकिन हेमा मालिनी ने महिला सांसदों के शिकायती पत्र में हस्ताक्षर किए हैं, इसका मतलब है कि इनका हस्ताक्षर कोई और किया है या सब प्लानिंग के तहत हुआ है। श्रीनिवास बीवी ने एक वीडियो डाला जिसमें राहुल गांधी ओम बिरला की तरफ एक अस्पष्ट सा इशारा करते दिख रहे हैं। इस वीडियो के आधार पर कहा गया स्मृति ईरानी का झूठ बेनकाब। इस सब के बीच राहुल गांधी का एक और वीडियो चला, कैप्शन था, राहुल गांधी जी संसद की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक आदमी स्कूटर से गिर गया, राहुल जी ने अपना काफिला रुकवाया और उस आदमी की मदद की, साथ ही उसे समझाया कि सही से स्कूटर चलाए। चलो पीछे पीछे कुछ नहीं कुछ नहीं पीछे रहे, हाँ पीछे रहे, पीछे पीछे है, पीछे है भाई, थोड़ा सा गैप देखना, माइक लगा बैठा है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात एक दुर्लभ मछली की। आंध्र प्रदेश के काकीनाड से आया है ये वीडियो, वहां के मछली पकड़ने वालों ने 20 किलो की एक रेयर मछली पकड़ी है। कचड़ी मछली है ये, कुछ लोग इसको सुनहरी मछली भी कहते हैं। समंदर में बड़ी गहराई में पाई जाती है, दवाओं के क्षेत्र में इनका बहुत इस्तेमाल होता है। जब बाजार में इसकी नीलामी हुई तो ये लगभग 3.5 लाख रुपए में बिकी, 3 लाख 30 हज़ार के आसपास इसका दाम लगा। इसके गाल ब्लैडर और लंग्स से दवाइयां बनती हैं, ऐसा कहा गया खबरों में। इस मछली से निकले पदार्थ से सर्जरी के बाद बनने वाला टांका बनाया जाता है, इस कारण भी इसके बहुत दाम है। ऐसे किनारे में इतनी बड़ी मछली मिलना रेयर है, इसलिए ये वीडियो खूब चला। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।